सब्सक्राइब कीजिए धर्मेंद्र खत्री चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को, जिससे आपको लेटेस्ट खबरें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र खत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आज बताऊंगा कुछ न्यू खबरें, कुछ न्यू अपडेट दूंगा दोस्तों आपको। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों आज की न्यू खबर ये है, अटल जी के चित्र के साथ जल्दी जारी होगा 100 रुपये का सिक्का। इसी साल 16 अगस्त को हुआ था अटल जी का निधन। सिक्के के एक सिरे पर अटल जी के चित्र के बारे में उनका नाम, जन्म और मृत्यु का साल भी अंकित होगा। दूसरे सिरे पर अशोक स्तंभ और रुपये का निशान होगा। दोस्तों पूरी खबर ये है, अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के साथ जल्दी 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक सिक्के के एक सिरे पर अटल जी का नाम के साथ उनका चित्र होगा। नाम अंग्रेजी और देवनागरी में लिखा होगा। तस्वीर के नीचे अटल जी के जन्म का साल 1924 और मृत्यु का साल 2018 लिखा होगा। अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी में सत्यवंते लिखा जाएगा लिखा होगा। सिक्के के दूसरे सिरे पर अशोक स्तंभ का निशान होगा, इसमें नीचे सत्यम जयंती लिखा होगा। इस सिरे पर नीचे का ये नीचे एक तरफ देवनागरी में भारत लिखा होगा, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया स्तंभ के नीचे रुपये का निशान और उसकी कीमत 100 अंकित होगी। अटल जी का निधन इसी साल 16 अगस्त को हुआ था। वे 93 साल के थे। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके सम्मान में कई जगहों के नाम बदले गए। हिमालय की 4 चोटियों के नाम भी उनके नाम पर रखे गए। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर का नाम अटल के नाम पर रखा गया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने देहरादून एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक का फैसला किया। दोस्तों यहाँ न्यू अपडेट आ चुकी है। न्यू अपडेट ये है दोस्तों, अपने फ़ोन में औसतन 51 ऐप्स इंस्टॉल करते हैं भारतीय यूजर्स। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर्म टेक आर्क ने रिपोर्ट जारी की है। 38% यूजर्स बड़ोजाना अपने फ़ोन में 6 से 10% 10 ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय यूजर्स फ़ोन में 5 से लेकर 2 से 7 तक ऐप यूज करते हैं। दोस्तों पूरी खबर ये है, स्मार्टफोन में ऐप्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में कई तरह के ऐप्स इस्तेमाल करके रखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ का ही इस्तेमाल लोग करते हैं। टेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर्म टेक आर्क के मुताबिक भारतीय यूजर्स अपने फ़ोन में 5 से 2 से 7 तक ऐप्स इंस्टॉल रखते हैं। हालांकि फ़ोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स की औसत संख्या 51 है। टेक और के मुताबिक भारतीय यूजर्स औसतन 24 ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ऐप्स होने से फ़ोन को नुकसान। टेक आर्क डिजिट नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया कि ज़्यादातर भारतीय यूजर्स के बिना कुछ सोच समझे ही अपने फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे न सिर्फ फ़ोन को नुकसान पहुँचता है बल्कि उनके परफॉर्मेंस का भी असर पड़ता है। नवंबर गेम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऐप्स का इस्तेमाल। 76% भारतीय यूजर्स सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। 76% यूजर्स गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। 47% यूजर्स मोबाइल फाइनेंस ई वॉलेट और बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। 40% यूजर्स एंटरटेनमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लाइव टीवी, वीडियो ऑन स्क्रीन और वीडियो कंटेस्ट्री दोस्तों करते हैं। ऐप्स की संख्या 1.1 से 5 यूजर्स 29%, 6 से 10 38%, 11 से 15 18%, 18 से 14 15%। इससे टेलीकॉम ऑपरेटर से कोई ज़्यादा फायदा। टेक और में अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एंटरटेनमेंट और गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ने से ज़्यादा फायदा टेलीकॉम ऑपरेटर को होता है, क्योंकि इन दोनों की इस तरह की ऐप्स में सबसे ज़्यादा डेटा खर्च होता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर मिलती है। इस रिपोर्ट में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी को भी सलाह दी गई है। टेक ऑर्क ने बताया कि ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण स्मार्टफोन कंपनी को अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, ऑडियो बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो का वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर बताइए दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगा बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए डाटा सबसे अंत तक।